अभी हम लगातार जहरीली शराब कांड पर रिपोर्ट आपको कर रहे हैं। हम उन पीड़ितों के परिवार तक जा रहे हैं कि जो इस दुर्घटना में जिनकी जानें चली गई। ये हमारी 9वीं रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है रजवापुर से, जहां पर इसी शराब ने एक जिंदगी ले ली और इस जहरीली शराब के कारण इस परिवार का सुख चैन खत्म हो गया। और वो परिवार हमारे बीच में, उनकी पत्नी है संगीता जी। संगीता, कभी पता लगल कि शराब जहरीली जैसे शराब पी के आलम? शराब पी के आला ना शाम के विनय के पता चला, तब उनको मैं ले गया जांच करा, तब रिफंड कर दिया आजमगढ़, तब वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, तब मैं लेके तब आया उन पर आजमगढ़ में इलाज भेल। हाँ सर। अच्छा, अस्पताल भर्ती रहा। हाँ, एक बाद वही खत्म हुई। वही खत्म हुई है। अब ये लोग हैं, इनके परिवार के लोग हैं यहाँ पे, आइतवार के दारू शाम को पिए। जी जी। और आइतवार, हाँ आइतवार के पिए थे, शाम के दारू पिए। सुबह तो हमारी माँ के भी डेट हो गया था जो है शुक्रवार। जी जी जी। तो शुक्रवार को जो है तो आइतवार की माटी गई। जी। माटी दर के आए तो इनका जो भी एक साला लगते हैं उनका, सोमवार के सुबह जा रहे थे लुधियाना। लुधियाना जा रहे थे तो वहाँ पे गोसाईगंज जाते जाते उनकी भी डेट हो गई। जी जी। तब ये भी दोनों साथ में पिए थे। अच्छा अच्छा। दोनों साथ में दारू पिए थे शाम को, आइतवार को। जी जी। मिट्टी हमारी माँ के दे के आए थे। अच्छा। शाम के दारू जो है पिए थे। जी जी। उसके बाद आए जब यहाँ पे, तो इनके सोमवार के जाना था लुधियाना। जी जी। तो धर्मेंद्र को, जी जी बुद्धू लड़के हैं। हाँ। तो उनके जब वहाँ जबरदस्ती गए, तबीयत खराब थी। जी। बोले कि हमें कहीं थोड़ा ट्रेन में चढ़ा दो। जी जी। ट्रेन में चढ़ा दिए, बाकी गोसाईगंज जाते जाते वो डेट हो गई उनकी ट्रेन में। जी। फिर वहाँ से उतारे, फिर लेके आए तो उनके डेट तो हो गई थी। तो ये क्या 11-12 बजे जो है इनकी भी तबीयत डाउन होने लगी। फिर इनके लेके जो है कि हॉस्पिटल गए दवा लेने। एक मौर्य डॉक्टर है, वो बोले कि जो है कि जाके तुम चेक करवाओ। तो गए नहीं, जा नहीं रहे थे। फिर वही दवा लेके आए, फिर उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। तो फिर शाम के जो है सरकारी में ले गए। सरकारी में फिर यहाँ तराई पर माहौल से किए जाएगा आजमगढ़। आजमगढ़ में गए तो सुबह सोमवार के, मंगलवार के सुबह 4 बजे की फिर डेट हो गई। हाँ जी। हाँ, मंगलवार को, मंगलवार के फिर सुबह डेट हो गई 4 बजे। तो चिन मंगलवार के इनका भी, धर्मेंद्र जो बुद्धुक लड़के थे धर्मेंद्र, उनका भी अंतिम संस्कार हुआ। बाकी इनकी बॉडी जो है चेक नहीं हुई, पोस्टमार्टम के लिए नहीं गई। बाकी दारू पिए थे दोनों साथ में। अभी यहाँ संतोष जो है ना, बताए कि हम दोनों साथ में। बाकी जब इनकी मिट्टी जाने की हुई कि ये सोचे कि दारू में वहाँ उस परिवार। देखिए, एक घटना इस मकान में हुई। मैं एक बार कहूंगा कि जरा सा, ये 9वीं मौत थी। और ठीक इनके बगल में इनके साले का मकान है, जो रिश्ते में साले लगते हैं। उस दिन उन्होंने भी, लोगों का आरोप है कि उस दिन उन्होंने भी शराब पी थी और उस दिन वो भी खत्म हो गए। चूंकि लोगों को ये नहीं पता लग पाया, क्योंकि वो ट्रेन से यात्रा करने निकले थे और कहाँ जाके खत्म हुए? गोसाईगंज। गोसाईगंज, वहाँ तबीयत उनकी खराब हुई। वहाँ परिवार को ये समझ में नहीं आ पाया कि ये डेथ हुई नहीं पता था कि ये दारू पी हो रहा है। आए जब पूछने खातिर सब आदमी, तो ये सब पता लगा कि ये दारू कोई ऐसा नहीं, पोस्टमार्टम खातिर सोचे कि नहीं जाना चाहिए। जी जी जी। तो ये नहीं पता था कि यहाँ दारू से मिट्टी हो रही है। जी जी। तो ये इतना पता होता तो आदमी हम लोग जरूर पोस्टमार्टम खातिर, इसीलिए थोड़ी सी उनकी गड़बड़ हो गया। जी जी जी। हाँ, अब ये देखिए, एक 9वीं घटना है। मैं यहाँ पर 9वीं घटना थी इनके पति के साथ, और इनका एक भाई, रिश्ते में भाई लगते हैं वो बगल में। क्योंकि उसमें पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, उस परिवार तक भी मैं चल कोशिश करूंगा कि उस परिवार में भी, जो कि वो परिवार, ये दोनों साले थे और जीजा साले का रिश्ता था दोनों के बीच में। और ये उसी दिन यात्रा पे निकल गए और बीच रास्ते में ही यहीं से गोसाईगंज में 2-3 घंटे बाद उनकी डेथ ट्रेन के अंदर ही हो गई। कहो चाचा जी, वह दिन कैसे पता लगल कि शराब पी ले रहना? ये उनका जो ऑपरेशन हुआ है। जी जी। पोस्टमार्टम। जी जी। ये दोनों साथ में पिए थे। अच्छा अच्छा। मगर हमें जानकारी नहीं। जी। हम चढ़ा के आए 3:30 बजे यहाँ से गए थे और 4:30 बजे ट्रेन आई, उनको बैठा दिए। जी। वो सब चले गए। मतलब ये नहीं जानकारी हो पाई कि इनकी मौत शराब से हुई है, ट्रेन के अंदर ही मर गए थे। यहाँ आए तो ये पता नहीं, इनकी मौत के बाद जब पोस्टमार्टम से इनकी लाश आई तब जान पाए कि क्योंकि शराब पिए थे दोनों साथ। दोनों साथ में पिए थे, मोटरसाइकिल से गए थे। दोनों जाके पिए,
अब ये देखिए, इनकी ये इनकी भी मौत, क्योंकि इनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, ये जल्दी में इन्होंने लाश जला दी। लेकिन ये इनका भी कहना है कि दोनों ने साथ भी शराब पी थी, तबीयत जबकि इनकी पोस्टमार्टम, इनकी लास्ट पोस्टमार्टम को गई, तबीयत खराब हुई, तो ये इनकी भी डेड बॉडी यहाँ पर आई। ये सवाल है, चूंकि इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, हो सकता है रिकॉर्ड में ना रखे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आखिर इन घटनाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा या सरकारें लेंगी या कोई और लेगा? हमारी दस्तक हर दरवाजे, क्योंकि कहीं कुछ छुप ना पाए, इसलिए हम हर दस्तक, हर दरवाजे पर दस्तक देंगे कि जो परिवार इससे पीड़ित है, कि जिनकी सूचनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई, या अखबार या मीडिया कहीं भी संस्थान नहीं, और कहीं आंकड़ा ना कम हो पाए, इसलिए हम हर परिवार तक जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि सरकार भी इस पर एक ठोस कार्रवाई करे और इन पीड़ित परिवारों को कुछ आपदा के प्रबंधन की तरह इनके ऊपर कुछ न कुछ इनको प्रोटेस्ट करे और इनको मदद करे। गांव वालों का कहना है कि यहाँ भी पुलिस आई थी, पुलिस यहाँ भी आई थी, तो भी नेपाल भी आया था, उनके साथ एक आदमी और आया था, वो कहते कैसे मरा ये, कैसे इनका हुआ। मैं कहा भाई ये ट्रेन में जा रहे थे, बीवी भी उनकी साथ में थी, अब गोसाईगंज जाते जाते ये नहीं पता कैसे मरे। कहते कैसे मरे आप बताइए। मैं क्या भाई पता नहीं कौन से हादसा हुआ कि हाँ उनका हार्ट डेथ हो गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नेकपाल ने ही लिख दिया। अच्छा, यानी आप लोग ने ये नहीं इंगित किया कि शराब से हुई है। तो कैसे आपको पता चला कि शराब? शराब इससे पता लगा कि ये दोनों आदमी गए थे साथ में मोटरसाइकिल पे बैठ के, जी जी, 20 तारीख को दोनों शाम को दारू पी के आए। अब ये देखिए, कुछ आदमी, गांव के लोग थोड़ा सा पोस्टमार्टम पे शायद डरते हैं कि लाश का विच्छेदन हो जाएगा तो वो नहीं, लेकिन इस तरह से उन्होंने, हाँ, ये स्वाभाविक मौत समझकर इन्होंने लाश को जला दिया कि एक स्वाभाविक मौत होगी। और इस दावा में जो है, जब मौत हुई, दो तीन मौत हुई धड़ाधड़, तो वहाँ पता लगा कि हाँ दारू पीने से मौत हो रही है, तब जाके इनके पता लगा हम लोग के, कि नहीं तो इन लोग का, हम लोग कह रहे थे दारू नहीं पीते, जब भाई कभी किसी सामने दारू नहीं पीते थे तो कैसे पता लगेगा कि हाँ दारू पीते थे, जब भाई किसी सामने पीते। बाकी ये पता लगा फिर संतोष जो थे, जो जिनकी बॉडी चेक हुई, पोस्टमार्टम हुई, तब वो पहले बताए कि हाँ ये दोनों दारू हम पिए थे। हाँ जी, देखिए अभी कुछ है कि कुछ कहीं पर थोड़ा सा इनकी जानकारी के अभाव में ये मामला हुआ। अब चूंकि ये जब घटनाएं होने लगी, तब लोग इस पर, लोगों का विचार आया कि इस तरह की घटना होगी। हालांकि अब इन्होंने कहा कि लेखपाल किस तरह से मौत हुई है तो पुष्टि नहीं कर पाए, लेकिन इनका भी कहना है कि ये मौत शराब से हुई और उसी दिन हुई है। ये मृतक धर्मेंद्र की पत्नी है। और आखिर जब ट्रेन में क्या हुआ था? कभी तबीयत खराब हो गई, ट्रेन में चढ़ते वक्त पूरा छपी आए लगे, यस भी दारू पी गया। मैं भी जब सुबह उठा, साथ में दोनों जा रहे थे, यस भी, तो मुझसे बोले कि मेरा सिर दर्द कर रहा। मैं भी सोचा अच्छा बैग भी पकड़, कहा मुझसे बैग नहीं जाएगा। मैं भी जब ट्रेन में मैं भी चढ़ा दिया, अंदर बैग वो फेंक दिया, तो मेरा घर वाला पूरा वहाँ पर छपी आए भी लगा, मुझसे पूरा गेजार उजार भी गिरने लगा। मैं भी चार बंदे से मिल के मैं भी ट्रेन पर से तीन स्टेशन पहुँच गए हूँ। तीन स्टेशन पर से मैं भी नीचे तुरा ले, पूरा वहाँ नीचे जो तुरा ले पूरा छपी आए भी लगे, मेरे पास कोई भी नहीं, मैं भी अकेला हूँ घर वाले साथ। आपसे बताया कि मतलब शराब? हाँ, मुझसे बताया कि मैं भी शराब पिया हूँ, दोनों, मेरा नंदोई और मेरा घर वाला दोनों रात का दारू पी के भी। अब इनकी दुखद पत्नी ने किस तरीके से, मतलब ट्रेन के अंदर से उनको नीचे उतरवाया और किस तरह से वो बिचारी लेक पहुंची, वो रास्ते में ही खत्म हो गए थे। अब ये मौतें इसमें स्वाभाविक शराब की मौत है, अब इस पर प्रशासन क्या अपना एक्शन लेता है? लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हम हर उस दरवाजे तक दस्तक देंगे कि जहां पर ये जहरीली शराब से लोग मरे हैं।